माननीय राकेश सभापति प्लीज। महोदय, यस, आज इतिहास के जिस दलहेज पर दस हम खड़े मिनट हैं वह सामान्य दलहेज नहीं है। सभापति महोदय, जिन तीन कानूनों को साम्राज्यवादियों ने साम्राज्यवाद के हित में लिखा था, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पारित किया था, जिसे भारतीयों को दासता के बंधन में दमन के साथ बनाकर रखने के लिए बनाया गया था, आज उन तीन कानूनों को परिवर्तित ही नहीं किया जा रहा, तीन कानूनों को पूरी तरह से खारिज करके तीन नए कानून को बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में डीकोलोनाइजेशन का एक नया इतिहास लिख रहे हैं। सभापति महोदय, इन कानूनों को बनाने में जो परिश्रम हुआ उसकी मैं एक छोटी सी झांकी बताना चाहता हूं, जिसे कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में बताया था। 18 राज्यों ने, 16 उच्च न्यायालयों ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज ने, 5 विधिवेत्ताओं ने जो शिक्षाविद हैं, और 200 आईपीएस ऑफिसर्स ने, करीब 40 सांसदों ने और स्टैंडिंग कमेटी के साथ 3,200 सुझाव आए। इन 3,200 सुझावों में से इन तीन कानूनों को बनाया जा रहा है। जो मुख्य बातें जो चर्चा हुई, मैं 4-5 बातें उसको उल्लेखित करना चाहता हूं। जो लोग महिलाओं के हित की बात करते थे लेकिन महिलाओं को संरक्षण न कानून दे पाती थी न पुलिस दे पाती थी, आज इस कानून के द्वारा 18 वर्ष की महिलाओं को, यानी 18 वर्ष तक की बच्चियों को उस श्रेणी में लाया गया, यदि उनके साथ बलात्कार होता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। 0 FIR और एस्कॉन्डिंग यानी फरार होने की जो संख्या थी, अपराध की संख्या 19 थी, उसे बढ़ाकर 120 कर दी गई है। सभापति महोदय, जो बुनियादी परिवर्तन हुआ है उस बुनियादी परिवर्तन से समाज के सबसे हाशिए के लोग, महिलाओं को और भारतीय परिवेश में आ रही नई चुनौतियों को का सामना करने में तीनों कानून सामर्थ्य होंगे। कांग्रेस के शासनकाल में 58 साल तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया। सीआरपीसी में 78 परिवर्तन किए गए, 78 संशोधन किए गए, भारत और इंडियन एविडेंस एक्ट में 22 संशोधन किए गए, लेकिन ये पैचवर्क चलता रहा। इस पैचवर्क से अलग हटकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इन तीनों कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किया। सीआरपीसी के 177 धाराओं को, सेक्शन को समाप्त कर में बदलाव लाया गया है, 24 को हटा दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में लगभग 24 धाराओं में परिवर्तन किया गया है, 6 धाराओं को हटा दिया गया है। इन सभी बातों को कहते हुए मैं जिस बात को रेखांकित करना चाहता हूं, लोकतांत्रिक तरीके से इस देश के हित में, इस देश के संदर्भ में जो तीन कानून बने हैं उसका आधार क्या है। पहले आधार दमन था और दासता थी, अब आधार मानवीयता और मानवाधिकार है। इन कानूनों के द्वारा मानवाधिकार को संरक्षित करने की पूरी कोशिश की गई है। हर व्यक्ति यह महसूस करे कि न्याय से दंड निकलता है, पहले दंड से न्याय निकलता था, तो पहले रूल बाय लॉ था, अब रूल ऑफ लॉ है। यह एक बड़ी बुनियादी परिवर्तन इन तीन कानूनों के द्वारा किया गया। सभापति महोदय, इस देश में ब्रिटिश राज सत्ता का अंत 1947 में हुआ। 47 में अंत होने के बाद यह उम्मीद जताई गई थी कि इस देश की मानसिक स्थिति को देखते हुए, इस देश के संदर्भ को देखते हुए, इस देश के इतिहास और विरासत को देखते हुए कानूनों में परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल उठता है, जो लोग आज सदन में नहीं हैं, उनसे वे बाहर हैं, लेकिन देश उनसे सवाल पूछेगा कि आपने परिवर्तन क्यों नहीं किया। पहले मुझे लगा कि वे आलस्य का भाव था उनमें, वह 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 जोड़ नहीं था कि चीज को परिवर्तन कर पा सके। लेकिन जब मैंने राज्यसभा की बहस को देखा, उसकी तीन घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। 19 अगस्त 1959 को
जी रामचंद्रन जी ने राज्यसभा में एक सवाल उठाया, क्वीन विक्टोरिया, जॉर्ज पंचम की मूर्तियां इस देश में क्यों लगी हुई हैं? सरकार के पास जवाब नहीं था। सरकार ने कहा कि हमारे पास, हम खाली स्थान नहीं छोड़ना चाहते हैं, जब नई मूर्तियों का निर्णय होगा तो इन्हें हटाएंगे। उस वक्त की सरकार को एहसास नहीं हो पाया कि ये क्वीन विक्टोरिया कौन है, ये जॉर्ज पंचम कौन है। इनके कारण ही जालियांवाला बाग कांड हुआ, इनके कारण ही शहीद शहादत हुई, इनके कारण ही हजारों लोग जेल में बंद हुए। लेकिन 12 साल तो तब था जब 59 में सवाल हुआ। 30 मार्च 1966 को इसी राज्यसभा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सवाल खड़ा किया कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति क्यों लगी हुई है, और वाजपेयी जी ने सरकार को चेताते हुए कहा, क्या हम अब उनके उस प्रतिमा पर चारकोल लगाने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो सरकार का जवाब था, अभी निर्णय नहीं हुआ कि उस मूर्तियों को हटाएं। उसके बाद 1969 में 5 मार्च 1969 को श्री दत्तोपन्त ठेंगरी जी ने इसी राज्यसभा में सवाल खड़ा किया कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में कितने ब्रिटिश क्राउन के सिंबल्स लगे हुए हैं, कितने पिलर्स पर सिंबल्स लगे हुए हैं? सरकार का जवाब था कि 4 पिलर्स पर सिंबल्स हैं, और नॉर्थ ब्लॉक साउथ दीवार के साउथ ब्लॉक के दीवालों पर कॉमनवेल्थ और ब्रिटिश सिंबल्स लगे हुए हैं। सरकार के पास जवाब था कि उचित समय आने पर हम इन संकेतों को हटाएंगे। जिन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ सामाजिक जीवन जीते हुए, उनके संस्कृति का हिस्सा बनते हुए, जिसे मेकाले ने कहा था, वे कलर में, वे रंग से तो भारतीय हैं, लेकिन अपने सोच में, अपनी समझ में, अपनी बुद्धि में, विवेक में वे अंग्रेज हैं, ऐसी ही जमात ने इस देश को ब्रिटिश कानून का बंधक रखा। सभापति महोदय, इंडियन एविडेंस एक्ट के मैं 4 सेक्शन का जिक्र करना चाहता हूं। सेक्शन 57, 37, सेक्शन 81, सेक्शन 82, इसका कोई भी भारतीय पढ़ेगा उसमें ब्रिटिश क्राउन, हिज मैजेस्टी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्राउन्स प्रिंटिंग प्रेस, इन सब का जिक्र है। यानी आज़ादी के 47 में आज़ाद देश हुआ, और 70 साल तक हमारे कानूनों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश हाई कोर्ट्स, ब्रिटिश सील्स, ब्रिटिश सिंबल्स और लंदन गजट, इसका जिक्र होता रहा। आज उन कानूनों को अब दस्त कर दिया गया है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को डीकोलोनाइज करने का जो एक बड़ा अभियान छेड़ा है, वह एक सर्वसमावेशी अभियान है। मैं एक चिंतक को उद्धृत करना चाहता हूं, गुटों को, कैसे गुटों की उन बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यक्रमों में दिखाई पड़ रहा है। गुटों ने कहा, विदाउट डीकोलोनाइजिंग द लीगल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम एंड लॉज, यू हैव टू डीकोलोनाइज योर माइंड।